देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार वीडियो को जितना हो सके ज्यादा ज्यादा पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो 5 और 7 तारीख को क्वेश्चन पूछेगा वो सभी क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा, मजा भी आने वाला है और एक एक क्वेश्चन को याद भी कर लेना है ताकि आप लोग एग्जाम में जाके एकदम तहलका मचा दीजिएगा। चलिए हेमंत अरुण यहाँ पर सीता कुमारी रिबो जो सर जो फालतू बात करेगा डायरेक्ट ब्लॉक कीजिएगा। चलिए चलिए वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लाइव स्टूडेंट है जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो लाइव में आएंगे और एक बार शेयर भी करिएगा, दबाकर शेयर करिएगा और एक मजा आने वाला आज क्लास में, सबको मजा आने वाला। चलिए रंजीत कुमार गुड मॉर्निंग भाई, चलिए बहुत बढ़िया सभी आ चुके हैं। एक बार वीडियो को जल्दी से जमकर शेयर कर दीजिए, जल्दी से जमकर जितने भी लाइव में जल्दी जल्दी अपने भाई बहन दोस्त यार के साथ शेयर करिए। चलिए बहुत बढ़िया शालिनी यादव हेमंत अरुण, चलिए बहुत सुंदर एकदम आ चुके हैं, एकदम आज एकदम हल्का मचा देना क्लास में, समझ गए। आज जो है ना इधर उधर कोई बात नहीं करेगा, सीधा पढ़ाई पर फोकस करेगा और एग्जाम का प्रॉपर तैयारी करेगा, समझ गए। बहुत बढ़िया नूरी बहुत सुंदर सर हम शाम को कब क्लास होता है, कितना बजे से? शाम को क्लास 1-5 बजे से होता है, 1-8 बजे से होता है। अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो 5 बजे चलेगा और आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आपका 8 बजे रात से क्लास चलेगा। सुबह में कंपलसरी है साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, समझ गए। चलिए बहुत बने, अब जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको आज मजा आने वाला है, एकदम एक एक क्वेश्चन को याद करना है, जबरदस्त तरीके से याद करना है और एग्जाम का जो प्रॉपर तैयारी भी करना है, समझिए। चलिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए यह वीडियो खास होने वाला है, आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे सबके लिए जबरदस्त होने वाला वीडियो। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको 50 क्वेश्चन हम करवा दिए थे कल, जो अगर आप लोग नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हिंदी का मॉडल पेपर का प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करके आपको ऊपर में मिल जाएगा, आराम से वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 51 से आज करवाने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट अभी न्यू है स्टूडेंट है भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए क्वेश्चन में 51 पा चुके हैं, फटाफट आप लोग आंसर लगाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर एकदम तहलका मचा दीजिएगा। चलिए आ चुके हैं एकदम पूरे जोश में, जी सर शुरू कीजिए, हाँ शुरू हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया शालिनी, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर लगाइए, क्या होगा? आंसू का लिंग निर्णय करें, आंसू जो शब्द है कौन सा लिंग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाइए क्या होगा। कमाल का क्वेश्चन है, आंसर भी उससे भी लजवाब आना चाहिए सभी स्टूडेंट का, समझ गए। चलिए आंसू की अगर बात की जा रही है, आंसू जो शब्द होता है ना वो पुल्लिंग शब्द होता है, क्या होता है? पुल्लिंग शब्द। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी वाले बच्चे का 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है, समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया समझ गए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 52 का आंसर लगाइए क्या होगा? क्वेश्चन में 52 कहता है क्या? ऋतु का लिंग निर्णय करें, बीबीआई क्वेश्चन है, जैसे बसंत ऋतु आता है, ऋतु जो शब्द होता है वो कौन सा लिंग है? उभयलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? ऋतु की बात हो रहा है, ऋतु शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है? स्त्रीलिंग। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन में 53 का आंसर लगाइए क्या होगा? क्वेश्चन में 53 कहता है क्या? क्वेश्चन में 53 कहता है क्या? रघुवीर साय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? गैस क्वेश्चन है 2024 का, रघुवीर साय की बात हो रहा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर लगाइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए मेरे शेर। चलिए बहुत बढ़िया, रघुवीर साय जो थे ना वह किस सप्तक के कवि थे? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, दूसरा सप्तक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का, शानदार जबरदस्त आंसर है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन में 54 का आंसर लगाइए क्या होगा? क्वेश्चन में 54 कहता है जल का लिंग निर्णय करें, बीबीआई क्वेश्चन है, जल जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आंसर लगाइए क्या होगा, क्वेश्चन पर 54 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में 54 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं पुल्लिंग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाले बच्चे का 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है। चलिए अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है
लाइव में आ जाएंगे। चलिए मिस्टर रिबो बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे, नूरी सालने यहाँ पर जो है, और कौन आंसर लगा रहे भाई रंजित। लाइव में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, फटाफट आंसर लगाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 55 का आप लोग आंसर लगाइए, क्या होगा क्वेश्चन में 55 कहता है क्या, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह की बात हो रहा है, लहना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, जिसका लेखक का नाम चंद शर्मा बुलेरी जी है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, अमृतसर के रहने वाले थे। तो अमृत लहना सिंह के मामा जो थे ना अमृतसर के रहने वाले थे, राइट ऑप्शन में क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हेमंत। चलिए क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 56 कहता है क्या, रघुवीर साय की किस रचना के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जल्दी बताओ, रघुवीर साहा की बात हो रहा है, जल्दी सांस लगाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा शानदार। वे भूल गए के लिए जो है इनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला, प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन में क्या होगा सी वाले बच्चे का जबरदस्त आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57 कहता है रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए, जल्दी बताओ रक्षाबंधन की बात हो रहा, समझ गए, बात बने व्यक्तिवाचक है, समझ गए ये क्या है व्यक्तिवाचक, राइट ऑप्शन में ए वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन 58 आ चुका है। क्वेश्चन 58 कहता है दिवाली शब्द संज्ञा क्या होगा, जल्दी बता भी है क्वेश्चन है, दिवाली शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अर्चना। चलिए सालनी मयंक राजपूत क्या करे, काहे हाइड कर रहे हैं, चलिए आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, समझ गए। मुस्कान जी चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं, अरुण कुमार सिंह जी आंसर लगाइए, जितने भी लाइव में आंसर लगाइए और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन 58 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी का व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 59, क्वेश्चन 59 कहता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, समझ गए। तो अर्थ की अगर बात की गई है तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, कितना पांच भेद, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन में ये जगह पांच भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थोड़ा फास्ट कीजिए ना, अरे फास्ट हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका है, टीचर टेस्ट होगा क्या रंजीत, अभी टेस्ट नहीं बनाए हैं भाई, खुद अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, टेस्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कल जो है टेस्ट आपका हो जाएगा, कल जो है ना कल टेस्ट आपका ले लेंगे। चलिए तो सभी विषय तैयार रहेगा, हिंदी या इंग्लिश का टेस्ट चलेगा कल। चलिए क्वेश्चन में 7, दूध शब्द कौन सी संज्ञा, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, दूध की बात हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूध जो शब्द होता है ना वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, क्या होता है द्रव्यवाचक, राइट ऑप्शन में क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका है 61, क्वेश्चन में 61 कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर साय की रचना नहीं है। रघुवीर साय की रचना कौन सी नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर लगाइए जल्दी से। चलिए बहुत बने शानदार, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, रघुवीर साय की रचना नहीं है, राइट ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर साय की रचना है, दिल्ली मेरा परदेश ये भी रघुवीर साय की रचना है, जो जो आदमी हम बना रहे हैं ये भी रघुवीर साय की रचना है। चलिए आगे बढ़ते मेरे सेरेंसनियों, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 62, क्वेश्चन में 62 था मैं संयंत हूं दैस पानी ठंडा किसके लिए कहा, ये किसके लिए कहा, गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर जो बच्चे 62 का राइट आंसर लगा रहे ऑप्शन नंबर ए क्या लगा रहे, लेखक ने स्वयं अपने के लिए कहा था मैं संयंत हूं पानी ठंडा किसके लिए कहा था, पानी ठंडा लेखक के लिए कहा था, राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का 100% राइट आंसर है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है 63 कहता है सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है, बीबीआई क्वेश्चन है, किसकी बात हो रहा है सपनों का सुहाना रंग की बात हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं
बात बनिया, जर्द हो गया है क्या? जर्द, राइट ऑप्शन मसीब वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 64 का था, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए, आप लोग बताइएगा कलम तोड़ना, समझ गए? चार ऑप्शन आपके सामने है, कलम तोड़ देना, कलम नहीं टूटी, दावत दावत फूटी, या खूब बढ़िया लिखना। क्या होता है? कलम तोड़ना मतलब खूब बढ़िया लिखना होता है, समझ गए? ये नहीं कि कलम को फटाक से ना तोड़ देना, बात खत्म, पढ़ाई खत्म, ये कि इसका जो है कोई लेना देना नहीं। इसका जो अर्थ होता है, कलम तोड़ना का अर्थ होता है खूब बढ़िया से लिखना, समझ गए? राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइट से ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका है 65, क्वेश्चन में पैसा, कफन सिर से बांधना का अर्थ क्या होता है? कफन सिर से बांधना का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन में 65 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया, क्या होता है? बाद में मरने को तैयार होना, कफन सिर से बांधना का अर्थ होता है मरने को तैयार होना, राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समझ गए? चलिए, कहते हैं ना सिर पर कफन बांध लिए है। चलिए चलिए हाँ, एग्जाम में कलम तोड़ देंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया रिबो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन में 66 का था, क्या लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? बीबीआई क्वेश्चन है, लेखक के विरुद्ध की बात हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हुआ? जल्दी से आंसर लगाओ, 66 का, लेखक के विरुद्ध साजिश कर रहा था, कौन कर रहा था? हवा कर रहा था, क्या? हवा, तो राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आ चुका क्वेश्चन में 67 का था, क्या सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला था? गैस क्वेश्चन है, सूचना केंद्र की अगर बात की जा रही है तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? सूचना केंद्र में लेखक को मिला था बालभद्र ठाकुर मिला था, समझ गए? आपको ठाकुर जी को क्या करना है? याद कर लेना है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते मेरे सेर एंसर, क्वेश्चन में 68 का था, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास को विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप बताइएगा, कहिएगा सर प्यारे नन्हे बेटे को लेखक हैं विनोद कुमार। हाँ सही है, सही है, लेकिन नौकर की कमीज पर भी मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी, किसका कीर्ति है? विनोद कुमार शुक्ल का ही कीर्ति है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कभी कभी पूछता है एग्जाम में, पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1937 को जो है इनका जन्म हुआ था, समझ गए? चलिए कहां पर जन्म हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर एंसनियो, क्वेश्चन आ चुका है 69, क्वेश्चन 69 कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए, आप लोग बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें क्या है, जल्दी बताओ 69 का। शानदार, बात बनिया, क्या हो जाएगा? कौन, कौन क्या है? प्रश्न है, समझ गए? क्या, क्या भी प्रश्न है, तो दोनों हो जाएगा सर्वनाम प्रश्नवाचक, उपयुक्त दोनों, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 70 कहता है संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? बीबीआई क्वेश्चन है, अब बताइएगा इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो संबंध नहीं बना रहा है, संबंध को जो है नहीं बना रहा है, कौन सा शब्द है? क्वेश्चन में 70 के राइट से क्या होगा? जिसका, जो कि, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, समझ गए? जिसको, जिनके, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त दोनों, ये दोनों जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 71 का था, वह कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये 2021 में क्वेश्चन आया था, आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर आना चाहिए लाजवाब तरीके से, छोटा छोटा कमेंट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं भाई, मयंक आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया, सालने एमडी अली साहब, रिबो बहुत सुना, अर्चना कुमारी बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। चलिए और कौन स्टूडेंट भाई आंसर लगा रहे हैं? आप लोग लाइव चैट में आंसर लगाइए, जितने भी लाइव स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट आंसर लगाइए। चलिए नूरी, शानदार, क्वेश्चन में पर 70 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से लगाओ 71 का, बाद में प्रश्नवाचक क्या है? वह कौन है, मतलब क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब आ चुका है क्वेश्चन में 72 का, आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा?
क्वेश्चन बता कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 72 ग्रेड से क्या होगा आंसर लगा मेरे शेर एंसर, बहुत बढ़िया महाविद्यालय कहेगा ये तो सर विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ है, पेड़ पर कमरा ये भी विनोद कुमार शुक्ल का ये भी है समझ गए, और जो है दीवार में एक खिड़की रहती थी ये भी है, तो इंद्रजाल जो है नहीं है, तो इंद्रजाल नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया मिस्टर डिबो, बहुत अच्छे से समझा, इस टाइप के कमेंट करो। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ पर आ चुके हैं यादव जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग योगेश यादव। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 73, लंबोदर कौन सा समास है, 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, लंबोदर की बात हो रहा है समझ गए, तो आपको बताया है ना लंबोदर, चंद्रशेखर, गजानंद, ये सब जो है ना बहुविधि समास में आता है, किस समास में, बहुविधि समास में, राइट ऑप्शन क्या होगा सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 74 कहता है क्या, काम चोर कौन सा समास है, 2019 में ये भी क्वेश्चन था समझ गए, काम चोर की बात हो रहा है समझ गए, काम चोर जो शब्द है ना ये तत्पुरुष समास है, समास है क्या तत्पुरुष, राइट ऑप्शन क्या होगा बी वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनंत यादव, चलिए बहुत बढ़िया यादव जी, चलिए हेमंत एम डी अली साहब रिभो, बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ रहा है, मुस्कान जी बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 75 कहता है आजकल कौन सा समास है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, आजकल की बात हो रहा है, बहुत बढ़िया अर्चना नूरी, क्वेश्चन यहाँ पर जो बच्चे 75 का राइट आंसर आ रहे हैं आजकल, आजकल दो की बोध हो रहा है द्वंद समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वंद समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 76 आ चुका है, करा क्या कौन से कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है, गैस क्वेश्चन है 2024 का, जल्द बताओ विनोद कुमार की कौन सी कीर्ति है, 76 ग्रेड से क्या कहा, बाद में सब कुछ बचा रहेगा, किसकी कीर्ति है विनोद कुमार शुक्ल की कीर्ति है, राइट ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कमाल कर देगा, क्वेश्चन एग्जाम में ये जो तबाही मचा देगा, क्वेश्चन नंबर 77, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे, किस पद पर वो रहे थे, चार ऑप्शन आपके सामने है, मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक, मुख्य सलाहकार, क्या हो जाएगा क्वेश्चन पर 77 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं, अतिथि साहित्यकार के रूप में उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी वाले बच्चे का 100% तहलका आंसर है, कहते हैं ना एकदम तहलका मचा देंगे सर, चलिए इसी प्रकार से सभी को तहलका मचाना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 78 कहता है खंडन का विलोम होता है, बीबीआई क्वेश्चन है, खंडन का विलोम क्या होगा, चलिए खंडन का विलोम क्या होगा, खंडन का जो है खंडन का हो जाएगा क्या होगा मंडन, क्या होगा मंडन, ऑप्शन में क्या होगा सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे सेरेंस से नहीं हो, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 79, क्वेश्चन 79 कहता है घोष का विलोम क्या होगा, कोष का विलोम 2018 में क्वेश्चन पूछा था समझिए, जल्दी से आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 79 का आंसर लगाइए सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाइए क्वेश्चन 79 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 79 का है घोष का विलोम, क्वेश्चन नंबर जो बच्चे 79 का लगा रहे हैं अघोष उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम कमाल कर रहे हैं, बहुत सुंदर सभी का आंसर आ रहा है, कौन है योगेश एम डी अली साहब, मयंक, शालिनी, मुस्कान, रिबो, नूरी, अर्चना, हेमंत, चलिए बहुत सुंदर सभी का आंसर आ रहा है, इसी तरह सभी को आंसर लगाते रहना। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका है 80, क्वेश्चन में 80 कहता है लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, दुस्वप्न मतलब जो लेखक सो जाते थे उसको सपना में क्या आता था, सबसे खतरनाक पात्र कौन आता था, तो क्वेश्चन में 80 का राइट आंसर क्या होगा, बात बनिया हाथी और तिरिच आता था, कौन आता था हाथी और तिरिच, राइट ऑप्शन क्या होगा बी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81 आ चुका है, क्वेश्चन 81 कहता है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, 2019 में यह भी क्वेश्चन पूछा था,
समझिए जल्दी बताइए सज्जन क्या होगा, सत्य जोड़ जन सज्जन क्या होता है, सत्य जोड़ जन सज्जन होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल कमाल का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुका है 82। क्वेश्चन में 82 कहता है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की थी। सबको पता है पुत्र वियोग की बात हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा सर पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। हाँ है, वो जो है ना अपने पुत्र के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की थी। राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आंसर लगा मेरे से नहीं हो, जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, हम देखना चाहते हैं कितना स्टूडेंट आंसर लगा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए भाई, बहुत बढ़िया, पुत्र के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दे पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनका जन्म कई बार एग्जाम में पूछा, सीधे प्रश्न आएगा समझ गए। इनका जन्म आपको याद करना है 16 अगस्त समझ गए, 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था, 1904 को याद रखिएगा समझ गए। यही इनका मृत्यु की बात की जाए तो 15 फरवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था, कैसे कार दुर्घटना के कारण, बसंत पंचमी के दिन इनका मृत्यु हुआ था समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, एक लाइक जरूर करिएगा, मजा आ रहा समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, इनका जो ना माता का नाम पूछेगा श्रीमती धीराज कुंवर, इनका माता का नाम था, पिताजी नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था समझिए। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 83। क्वेश्चन में 83 कहता है कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है, गैस क्वेश्चन है, जल्द बता लगातार क्या होगा, रन रन क्या रन, लगातार का पर्यायवाची नहीं है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन में पर 84 कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा पाठ की बात हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा जो एक निबंध है समझ गए, राइट ऑप्शन में ही आपको बता दे ओ सदा नीरा के लेखक नाम जगदीश चंद्र माथुर जी है, माथुर जी का जन्म 16 जुलाई को हुआ था, 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था, कब बता 1917 में, याद रखेगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फटाफट आंसर लगाना है। मृत्यु जो है 14 मई 1978 हुआ था। चलिए क्वेश्चन आ चुका है 85, क्वेश्चन 85 कहता है क्या सर मुझे हिंदी में 100 में 100 लाना है, चलिए बहुत बढ़िया मेहनत करिए इसी प्रकार एकदम 100 में 100 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन 85 नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, नयन की बात हो रहा है, ने जो रन होता नयन समझ गए, नयन 385 क्या होगा, ए के साथ जो भी बच्चे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए गला भी फंस रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर लगाइए क्या होगा, क्वेश्चन में 86 कहता है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, वीवीआई क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की बात हो रहा है समझ गए, वो सदा निराक जो लेखक है वो मूलतः जो थे ना वो एक नाटककार थे, क्या थे नाटककार, राइट ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 87 कहता है ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, क्वेश्चन में 87 का राइट आंसर क्या होगा, चंपारण पर, नील की खेती पर, राइट ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन अब आ चुका 88, क्वेश्चन 88 कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय का क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया विद्या जोड़ालय विद्यालय, राइट ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का एकदम गर्दा मचा रहे, सालनी सर मुझे सर 400 नंबर चाहिए लेकिन डर लग रहा है, डर काहे लग रहा है, अगर आप तैयारी अच्छा से करिएगा डरने की कोई बात नहीं है समझ गए, अगर तैयारी में कमजोरी है तो आपको डर लगेगा, अगर तैयारी एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका है 89, क्वेश्चन में 89 कहता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, बीबीआई क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में जो है ना बाढ़ का मुख्य कारण पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे क्या लगा रहे, जंगल का कटना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का शानदार जबरदस्त आंसर, जंगल का कटना जो है बाढ़ का आने का मुख्य कारण था, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है क्या सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है,
किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? 90 करेक्टर से क्या होगा मेरे शेर एंसेनियो। चलिए बहुत बढ़िया, सिपाही की माँ की बात हो रहा है, लेखक का नाम क्या है? कहिएगा सर मोहन राकेश, मोहन राकेश नाम है लेखक का, तो मोहन राकेश नाम है तो आपको पता है। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी को हुआ था, 8 जनवरी 1925 को हुआ था। तो इनका मृत्यु भी आपको याद रखना है 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश का मृत्यु हुआ था। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग याद रखिएगा तो आपको अतिरिक्त एक दो क्वेश्चन रहेगा, जैसे इनका बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था। माता का नाम पूछ दिया बच्चन कौर, पिताजी का नाम पूछेगा क्या बताएगा, करमचंद गुगलानी था। समझ गए, इतना क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपको आगे क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं पूछेगा। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, माँ बेटी थी, राइट ऑप्शन क्या होगा, 80 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 91। क्वेश्चन में 91 कहता है जिस नारी की बोली कठोर हो उसे क्या कहते हैं, 2024 में आपको पूछेगा गैस क्वेश्चन है, जिस नारी का बोली कठोर हो, समझ गए, यानी जो है वो कठोर भाषा में, कठोर भाषा में बात करती है उसे क्या कहेंगे, कर्कश कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्कश। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 80 वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, जहां किताबें छपती हो उसे क्या कहेंगे, जहां किताबें छपती है उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा, छापा खाना कहेंगे, क्या कहेंगे, छापा खाना। राइट ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का आप लोग आंसर लगाइए क्या होगा, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, बीबीआई क्वेश्चन है, मोहन राकेश की बात हो रहा है, मोहन राकेश जो है सारिका का है, सारिका का जो है संपादक है। राइट ऑप्शन में ए वाले बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, अब क्वेश्चन मात्र जो है 6 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए। मुन्नी जो है ना डाक गाड़ी के पीछे जाती थी चिट्ठी के लिए, किसके लिए जाती थी, चिट्ठी के लिए जाती थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का शानदार आंसर है। साली 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 94 कंप्लीट हो गया, 6 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन 95 कहता है तीव्र बुद्धि वाला क्या होता है, बीबीआई क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला जो होता है ना एक कुशाग्र होता है, क्या होता है, कुशाग्र। राइट ऑप्शन में ये जगह कुशाग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे शेर एंसेनियो, क्वेश्चन में 96 कहता है निश्चय का संधि विच्छेद क्या हुआ, 2019 में क्वेश्चन पूछा था, निश्चय की बात हो रहा है, निह जोर चय क्या होता है, निह जोर चय होता है निश्चय। राइट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनका 100% राइट आंसर है, कमाल का आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, रोशन यहाँ पर, एमडी अली साहब, अरुण, रिबो, सालने, मुस्कान, रिबो, नूरी, चलिए बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार सभी को आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 97 कहता है जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे आयुष्मती कहते हैं, क्या कहते हैं, आयुष्मती। राइट ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है 98 कहता है जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का विवाह हो गया उसे सौभाग्यवती कहते हैं, समझ गए, तो आप सन्मसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुका है 99। अब क्वेश्चन 99 कहता है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी, बीबीआई क्वेश्चन है, कौन जाती थी। 99 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, कौन जाती थी, मुन्नी जाती थी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुन्नी जो है ना डाक गाड़ी के पीछे जाती थी। चलिए अब क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 100 कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी, गैस क्वेश्चन है 2024 में आपको देखने को मिलेगा। अब किसकी बात हो रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रहा है, तो आपको उषा को तो भूलना नहीं है, उषा का लेखक है, इनका पिताजी का नाम भी नहीं पूर्णा है, तारिफ सिंह, तारिफ सिंह इनका पिताजी का नाम था। माता का नाम क्या था, प्रभु देवी इनका माता का नाम था, ये भी याद रखेगा, समझ गए। इनका जन्म कई बार पूछा एग्जाम में, 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। यही इनका मृत्यु की बात की जाए तो 1993 में इनका मृत्यु हुआ था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा।
समझिए। तो बताइएगा शमशेर बहादुर सिंह 1978 में किस देश की यात्रा की थी, तो कौन सा देश का, सोवियतीय रूस का जो यात्रा किया था कौन, शमशेर बहादुर सिंह। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी बाल बच्चे का शानदार आंसर है। चलिए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, सभी स्टूडेंट जो है ना कॉमेंट सेक्शन में लाइव चैट में जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे सुबह में 8 बजे क्लास चलता है, सभी 8 बजे तैयार रहिएगा। कल जो है इंग्लिश का या हिंदी का टेस्ट चलेगा प्लस क्लास चलेगा, समझ गए। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।